चोर गलिया महोत्सव लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कलाकारों के स्कूली बच्चों ने अपनी मधुर धुनों के साथ मां सरस्वती के सामने संगीतमय सुरों से माहौल को सजाया। इस दृश्य को देखने के लिए क्षेत्र के लोगों की काफी भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि एक दिवसीय चोर गलिया महोत्सव में दूर दूर से आए कलाकारों एवं स्कूली बच्चों की सुंदर झांकी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी देख स्थानीय लोगों ने आनंद प्राप्त किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि हरीश रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। लाल कुआं से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। प्रयास है, एक बहुत अच्छा प्रयास है, स्तुत्य प्रयास है और सब मिलजुल करके कर रहे हैं। और ये त्रिवेणी है, यहाँ अलग अलग संस्कृतियों की, उस त्रिवेणी में जो भी गोता लगाएगा वो आनंदित महसूस करेगा और मैं भी बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। आज के दिन का जो मेरा उद्देश्य था, उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देना और हमारा जो इस वक्त कल्चर चल रहा है तो एक ना एक प्रकार से अपनी संस्कृति को बचाने की जो चल गई है, कई ऐसी पश्चिमी सभ्यताएँ हमारे उत्तराखंड में प्रवेश कर चुकी है। हमारा कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो लोग नहीं जानते थे, जैसे करवा चौथ है, छठ पूजा है, लेकिन हमारे जो पारंपरिक त्यौहार जो है, हरेला है, उत्तराणी ना और झुटिया है, कई प्रकार के ऐसे पर्व हैं, लोग भूलते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति का भी लोग उनसे जुड़ाव कम होते जा रहा है। पहाड़ी भाषा का जो उपयोग है बहुत कम हो गया है, जिससे आने वाली पीढ़ियों में सांस्कृतिक मध्य से ये सब जोड़ना चाहते हैं कि लोग ऐसा भी है जिस समाज ने हमको पैदा किया, जिस संस्कृति का हम बने बने बड़े हैं, उस संस्कृति का हराज नहीं होना चाहिए। किसी को उत्साहित करने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये पहल की।